तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार अलग ब्लॉग में। और ये फिर से हमारा मीटअप ब्लॉग होने वाला। लास्ट ब्लॉग भी मैंने मीटअप ही ब्लॉग डाला था, नहीं उससे पहले सेटअप ब्लॉग डाला था। हम आ चुके हैं दिल्ली। इससे पहले आपने मिनी ब्लॉग्स देखा होगा दिल्ली में हम लोग आते हुए। और हमारे साथ लेजेंड बैठे हैं जो कि गए थे नल चालू करने, लेकिन गलती से शावर चालू हो गया तो ये उल्टे लेटे हैं इस समय। और ये हमारे किसान भाई भी पठान भाई भी आ गए। दिल्ली इज सो, मतलब यू नो गाइस, दिल्ली इज सो हैवी, यू नो एटमॉस्फियर, माय स्किन गेट dull and I got so stomach ach. I got stomach ach. So stomach. Stomach and I need tea. He got stomach and he want tea. Yes. Na? So I order on 66. I call on 66 and. तो ये थी निंजा की इंग्लिश, समझ में आई हो तो अच्छी बात है, नहीं आई हो ज्यादा अच्छी बात। तो अभी सब रेडी होंगे गाइस, पुट्टो गया हुआ है अंदर वॉशरूम में, पॉटी करते हुए रील देख रहा है, यहाँ तक साउंड आ रहा है। और सब रेडी होके उसना सैवेज यहीं आ जाएंगे, निकलेंगे फिर मीटअप के लिए। लेट्स सी हम लोग का पहला ऑफिशियल मीटअप कैसा जाता है। कुछ चीज़ें प्रिपेयर की हैं इन लोगों ने भी और कुछ चीज़ें प्रिपेयर की हैं हम लोगों ने भी, लेकिन हमने जो चीज़ें प्रिपेयर की हैं वो फैंस के लिए अच्छी नहीं है, इन लोग के लिए बहुत बुरी है। वहाँ पे तेरे को सबसे पहले भेज देंगे। नहीं, और मीट गाइस ठाकुरा क्या एंट्री मारी है एकदम ब्लॉग में, बा मुलायदा ओचियार आपके सामने पधार रही हैं ग्वालियर की अजीम फनकारा मल्लिकाए हुस्न नूरे नजर मोहतरमा बजलेश। ये एंड वाला हाँ, तो अब सीधे मिलते हैं रेडी होने के बाद, निकलते समय हुस्ना सैवेज आ जाए फिर सबके साथ ब्लॉग करते हुए जाएंगे वहाँ पे। और लेट्स ये डांस भी करोगे भाई के साथ, गाइस आना जरूर है, व्यूअर्स के सामने करोगे ना डांस, कह रहा आना जरूर है, बजवा भी देंगे गाना, साला बजवा देंगे गाना भाई। मैं तो बिल्कुल सलमान खान वाला ये भी ले आया हूँ, वो कौन सी थी लड़की जिसको वो छोड़ रही था, चीक क्या नाम था, मिन्नी मुन्नी, मुन्नी तो मुन्नी ये बन जाएगी मामा। तो हमारा फर्स्ट मीटअप है, बहुत खर्चा हो गया है दोस्तों, इडनी इडनी सब चली गई है, पहले मीटअप में बहुत खर्चा हुआ है। अब कानपुर आएंगे चड्डी बनियान में मिलेंगे तुम लोगों से। और निंजा को अगर तुम लोग देखो तो शायद इसने लॉक भी नहीं किया होगा, खुला है बे। अब हम लोग निकल रहे हैं दोस्तों, मतलब हम निकल रहे हैं, हम सबसे पहले रेडी हो गए हैं क्योंकि हमको बनाना है व्लॉग। ये लोग पराठे होकेंगे उसके बाद निकलेंगे हम लोग। भाई स्मार्ट तो मैं लग रहा हूँ, भाई स्मार्ट तो मैं लग रहा हूँ भाई, देख ना कैमरे में, जब आप खुद को स्मार्ट लगने लगो तो सच में आप स्मार्ट लग रहे हो, सच में स्मार्ट लग रहे हैं यार, देख रहे गाइस। तुम लोग बताओ कमेंट में स्मार्ट लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा हूँ, और इस बार मैं थोड़ा रईस लग रहा हूँ कि नहीं, आज 4 मिलियन के बाद आज लग रहा हूँ मैं यूट्यूब गाइस। जब आप प्लानिंग करके नहीं चलते हैं तो कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है आपकी लाइफ में, उतनी देर में वो खोल देगा। ये देखिए जैसे अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आ गई है, बंदे ने नई जींस खरीदी थी तो उसमें हुक को कट नहीं करा हुआ है, बटन लगाना है उसको लेकिन वो कट नहीं है उसके, क्या कहते हैं इसे काज में, वो तो होटल का स्टाफ इतना अच्छा है, कोऑपरेटिव है कि ब्लेड लाके दिए इन्होंने, खुद काट भी रहे हैं, देख के दर्द दर्द ना लगे, बस 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 ध्यान से कुछ और ना कट जाए। को देखो क्या बन के आई है, इतनी अच्छी लग रही है ना गाइस ठाकुरा, और नहीं तो क्या, अगर हम लोग बोलेंगे नहीं अच्छी लग रही तो फिर हेयर स्टाइल बनाने लगेगी। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो प्रतीक की गोद में हमेशा की तरह लेजेंड बैठे हुए हैं, प्रतीक तुम इसको परमानेंट गोद ले लो, लिया हुआ है मैंने, यही है तुम्हारे फोरम के दद्दू, यही है दद्दू फोरम के, दद्दू नहीं है, आ गई हैं, सैवेज जी ने लेट कराया नहीं है, हम लोग ने लेट कराया है, हम लोग की गलती ना सैवेज, नहीं दिल्ली का ट्रैफिक यार, दिल्ली का ट्रैफिक देख रहे हो कितना ट्रैफिक है, देख रहे हो रेड लाइट है तो कितना ट्रैफिक है। और अब हम लोग फाइनली निकल चुके हैं, निकल एक्चुअली चुके हैं, 10-15 मिनट हो गया है और पहुंचने ही वाले हैं, और एक्साइटेड भी बहुत ज़्यादा हैं कि क्या करेंगे, बाकी अगर कुछ हक दे तो माफी। तो बस कुछ ही देर और हम सब मिलने वाले हैं अपने फैन से। yes. और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है, और अभी हम लोग ने देखा वीडियोस भी, काफी लोग स्टोरीज शेयर कर रहे हैं, मेंशन कर रहे हैं कि भैया आ जाओ। अब क्या करें, दिल्ली का ट्रैफिक इतना ज़्यादा है, सच में ट्रैफिक है यार गाइस, देखो पिछली बार मैं मजाक कर रहा था, सही में ट्रैफिक है, तो अब थोड़ा सा वेट तो हमें ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है मिलने से, मतलब फैंस को भी हो रही है पर अपने को भी हो रही है, तो चलो मिलते हैं, फट रही है, चलो मिलते हैं। जैसे जैसे पास आ रहा है वेन्यू अपना, थोड़ा आज मेरे को भी धुक धुक हो रही है, ये लोग साले नर्वस है ना, मेरे को भी करा रहे हैं, 600 500 मीटर बचा है, 500 मीटर, और तुषार भाई का फोन आया कि नीचे भी लोग खड़े हुए हैं,
मैं तो चिल हूँ भाई, चिल चिल है ये वो गाना है जो पठान पे ये नाचेगा और ये उस पे नाचेगी। मैं तो पार्टी कर रही थी गाइस, हमारा एक क्रिएटर को हमने उतार दिया पीछे, लेजेंड इधर बैठा था और पीछे उतार दिया उसको, गाड़ी बंद करके आगे आ गए। लेजेंड को देखो, ये देखो लेजेंड खड़ा है हमारा, इसको बाहर धूप में खड़ा कर दिया और हम लोग इधर है। चलो भाई ऊपर चलते हैं, धूप है काफी, सॉरी लेट कराया हमने, ठाकुराइन की गलती क्योंकि ये रेडी हो रही थी। आ जाओ गाइस आओ, मैं आपको लेके चल रहा हूँ, आ जाओ आप मिलेंगे सब। हेलो तुमने देखा होगा, अब हम लोग सारे दिल पे हाथ रख के जा रहे हैं अंदर कि पता नहीं क्या होने वाला है। और इन दोनों ये दोनों परफॉर्मेंस प्रिपेयर कर रहे थे, मैं तो तैयार हूं भाई, ये दोनों भी बैठ गए थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड। चलो गाइस चलो, boycott Tim Tim.
हमेशा तोड़ा जाता है वो मैं हूँ, तोड़ लो आज। अच्छा मैं तो ये जानना है कोई ऐसा है जो स्पेशली ऐसा कि हम तीन लड़कियों में से मिलने आए हो? सभी सभी लड़कियों से मिलने आए मैं खुद हम सबकी तरफ से थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मैं सोच के नहीं आई क्या बोलना है, जो आ रहा है मन में बोल रही हूँ, बट बहुत अच्छा लग रहा है हमें। मतलब ये वाला जो फील आया है ना, मतलब इनकी तो पहली बार है और यहाँ पे किस किस को पता है अंतर्यामी गेमिंग से पहले? जैसे अंतर्यामी गेमिंग तुम सबने देखा है तभी तुम लोग आए हो, पर अंतर्यामी गेमिंग से पहले भी तुमने एक भी मेरी रोस्टिंग वीडियोस देखी थी एक भी? तो अभी तुम्हारे मन से ऐसी गाली भी निकलती होगी कि साला अपलोड नहीं कर रहा है। और उसके बाद आई नो मेरे ब्लॉग्स थोड़ा पसंद नहीं आ रहे हैं तुम लोगों को, लेकिन और डेट ऑफिशियल की वीडियो फॉलो की है, कोई जगह है जहाँ नहीं फॉलो किया है बाथरूम छोड़ के। मैंने स्ट्रीम पे भी बोला था अगर कोई हमारा मॉड हो जिसने यहाँ तक इन सब से मिलवाने में मदद की है, जैसे शिवम भाई आए थे, दिखे किसी को क्या हमारे मॉड कहाँ है? तो गाइस जैसे कि तुम लोग सब मेरे से मिले ऐसे ये हम तो मिले थे, और ये हमारे कितने सब्सक्राइबर से देखा था तुमने भाई? जब से 300K से अभी 4 मिलियन प्लस हैं, और तुम लोग से मिलाने में इनकी बहुत मदद है क्योंकि चैट बहुत यू नो क्या क्या चलता रहता है, हाँ तो वो सारी चीजें संभालते हैं और पूरे टाइम स्ट्रीम पे रहते हैं। तो एक बार शिवम भाई ओपी है, और कोई है क्या अपना मॉड पीछे? भाई बाद में मेरे को ही टाइम आउट मत दे देना। कोहली भाई है ये, कोहली कोहली भाई ओपी, थैंक यू भाई इतना मॉड के लिए, इतना चीजें संभालने के लिए थैंक यू। इस इंसान को कोई जानता है तुम्हें? पट्टू भैया ओपी मेरे मुंह पे मत डालो भाई, इन्होंने भी बहुत योगदान दिया है नेट ऑफिशियल। पहली बात इस कैफे की बहुत मतलब हम आभारी हैं कि आप, और सुनो बात भी आते रहना, ये नहीं सिर्फ मिलना है वो सालों आते रहना यहाँ पे। और यहाँ सारा मैनेजमेंट देखा है हमारे तुषार भैया ओपी कल की स्ट्रीट जिसने चलो क्यों इन्हें शुरू करें क्या? एक एक करके एक एक निंजा जी हमारे होस्ट करेंगे। एक साल बस, अब इसके बारे में कुछ नहीं पूछेगा भाई। अंदर है अभी से बात करने वाले भाई, तुम शादी कब कर रहे हो ये बता दो बस। तुम्हारी हो गई यार, मतलब अलग अलग पर सेम डेट पे, सेम डेट पे। अच्छा ये बता गर्लफ्रेंड है सिंगल है? है ना सिंगल तू कर फिर पहले भाई, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक चीज और बताओ, पूरी टीम कब तक इकट्ठी रहेगी साथ में? जब तक हमें तब तक रहेगी, जब तक। एक जो आपने अग्नि दीदी के उस पे 50 के डांस करा तो आप वाले कर वो करके दिखा दो बस। तो आप करके हां ओए तुझे याद होगा तो सबने करा था ठीक है, इसको भी ले ले, इसको भी ले लो। आ जा सार पे करते हमारे सार भाई बीच में करेंगे, पहले नहीं तीनों साथ में करेंगे, पहले हम साथ में करेंगे। क्यों गाइस साथ में होना चाहिए। 1 2 3 कैसा लग रहा है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, फैबुलस, फैंटास्टिक, एक्सट्रीमली गुड।
मैंने 3 मिनट बैठ के अभी अपने ऑटोग्राफ की प्रैक्टिस की है, तब भी मैं सही से नहीं कर पाया हूँ। क्या मिस्टेक रह गई है? वो एन और ए और जे को मैं कंबाइन लिख नहीं पा रहा हूँ कर्सर पे, तो कोई नहीं, तो मैं ए को मिस ही कर दे रहा हूँ, मैं अपने सिग्नेचर में ये लिख ही नहीं रहा हूँ। आपको कैसा लग रहा है, लाइक टोटल एक्सपीरियंस, मतलब एकदम पूरा कैसा क्या ये वाला, ये मतलब हाँ पहली बार ऐसा प्रॉपर मीटअप रखा है, अच्छा लग रहा है। क्राउड मेरे को समझ भी आ गया है कि अब कैसा रखना पड़ेगा, और नेक्स्ट मीटअप कानपुर करेंगे पक्का, क्योंकि मैंने अपनी सिटी में मीटअप नहीं किया है, नहीं तो कानपुर वाले नहीं रहने देंगे मेरे। चलो मेरे व्लॉग में भी कुछ बोलो, सब चुप, देखो सन्नाटा छा गया। इधर ये क्लिप जरूर काटना यहाँ से, कहाँ गए वैभव भाई, प्लीज सब यही है भाई, ये इनकी परफॉर्मेंस रह गई है शिवम भाई। इसका रैप गाइस बताना चैट में, कैसा कानपुर मीटअप कब? ऐसा भैया एक सवाल, आप एक डिपेंड आप लोगों के कमेंट्स पे कि कानपुर मीटअप कब, ठीक है? थोड़ा कम ही करना है यार, अभी नहीं थोड़े टाइम बात करेंगे यार, मीटअप थक गए हैं यार बहुत। तो दोस्तों ये ब्लॉग यही तक था, आप जाएंगे होटल जाके सो जाएंगे। फोन किसी ने ले लिया है, वो दे नहीं रहा है, निंजा भैया का फोन चोरी हो गया। प्लीज जो मीटअप पे आया था, अगर किसी ने मेरा उठाया तो फोन दे देना गाइस। हां यार गाइस देखो ये सच्ची बात है, ये मजाक नहीं, जितने लोग भी मीटअप में आए थे किसी को क्या 11 प्रो मैक्स मिडनाइट ग्रीन 256 GB पीछे लिया था। निंजा का फोन नहीं मिल रहा है, तो जिसको भी मिला हो वो रख दे 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 दे, मतलब कमेंट कर दे मेरे को, दुआ लगेगी, ठीक है? नहीं तो तुषार भैया नया नहीं देंगे, तुषार भैया तो नया दिलाई देंगे। बाकी मैं ब्लॉग यही एंड कर रहा हूँ, बस लव यू, टेक केयर, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।